उत्तर प्रदेश में युवाओं के लाने आई है बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती को नोटिफिकेशन जारी भाव और जब भर्ती है 60,244 पदों पे। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती में लगभग 25 लाख आवेदन आवे की उम्मीद है। रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित हैं। ईडब्ल्यूएस के लाने 6,024 पद, ओबीसी के लाने 16,264 पद, एससी के लाने 12,650 पद और एसटी के लाने 1,204 पद आरक्षित हैं। आवेदन की फीस 400 रुपया निर्धारित करी गई है। लंबे समय से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की मांग हो रही थी और अब ये भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लाने 12वीं पास की योग्यता है। अगर दो या उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों के नंबर बराबर आउट हैं तो डॉक से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों एनसीसी बी सर्टिफिकेट और प्रादेशिक सेना में 2 साल की सेवा को अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता मिले। आयु सीमा पुरुषों के लाने 18 से 22 वर्ष, महिलाओं के लाने 18 से 25 वर्ष। एससी एसटी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5-5 वर्ष की छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से हुई है। इनमें पुरुषों के लाने सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर और फुला के कम से कम 84 सेंटीमीटर हो। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए कम से कम 77 सेंटीमीटर हो, फुला के कम से कम 82 सेंटीमीटर हो। महिलाओं के लाने सामान्य ओबीसी एससी वर्ग की उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेंटीमीटर हो, वजन कम से कम 40 किलोग्राम हो, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल दौड़ हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर सीट पे ऑफलाइन मोड में हुई है। एग्जाम पैटर्न में लिखित परीक्षा 300 अंकों की हुई है। इमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्न हुई है। कुल 150 प्रश्न हुई है। गलत उत्तर पे नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लाने बुलाव जो है। आरक्षण केवल यूपी के मूल निवासी को मिले। अगर परीक्षा 1 से ज़्यादा शिफ्टों में या 1 से ज़्यादा तारीखों पर आयोजित भई तो नंबर नॉर्मलाइज करे जो हैं, रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाले जो है। फाइनल मेरिट लिस्ट परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर निकाली जाए। ई भर्ती में कोनो इंटरव्यू नहीं हुई है, कोनो वेटिंग लिस्ट भी तैयार नहीं हुई है। कुल मिलाकर बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के युवाओं के लाने लंबे समय बाद निकली है पुलिस की भर्ती।